नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया पर बरप रहा है। दुनिया के किसी भी मुल्क के पास अब तक इसकी कोई दवा नहीं मिल सकी है। एक सवाल ये भी है कि क्या कोरोना वायरस से पहले भी कोई ऐसा वायरस फैला था जिससे पूरी दुनिया परेशान हो गई थी? तो इसका जवाब है हाँ, दुनिया में कई ऐसे वायरस फैल चुके हैं। आज हम अपने इस वीडियो में दुनिया में कोरोना वायरस से पहले कौन कौन सी महामारियां थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कर ले। दुनिया की ये वो बीमारियां हैं जिसने अलग अलग वक्त पर लोगों की जान ली। उन संक्रामक महामारियों को विश्वमारी या पैंडेमिक कहते हैं जो एक बड़े भूभाग जैसे कई महाद्वीपों में फैल जाती है। यदि कोई रोग एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ हो किंतु उससे प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि न हो तो उसे विश्वमारी नहीं कहा जाता। संपूर्ण इतिहास में चेचक, तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस जैसी असंख्य महामारियां हैं, HIV और 2009 का बर्ड फ्लू हाल ही की महामारियों के एग्जाम्पल हैं। हाल ही में 12 मार्च 2020 को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को विश्वमारी घोषित किया। 14वीं शताब्दी में फैली ब्लैक डेथ नामक विश्वमारी अब तक की सबसे बड़ी विश्वमारी है जिससे 7.5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। अब आइए बात करते हैं मानव इतिहास में कब कब कौन सी महामारी आई थी। प्लेग ऑफ एथेंस 430 ईसा पूर्व 4 वर्षों की समय अवधि में टाइफाइड बुखार से 1/4 आबादी की मौत हो गई थी। इस रोग ने एथेंस के प्रभुत्व को घातक रूप से कमजोर बना दिया। प्लेग का सटीक कारण कई वर्षों तक अनजान बना रहा। जनवरी 2006 में एथेंस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने शहर के नीचे दबे एक सामूहिक कब्र से बरामद किए गए दांतों का विश्लेषण किया और इसमें टाइफाइड के लिए जिम्मेदार जीवाणुओं की मौजूदगी की पुष्टि की। एंटोनिन प्लेग नियर इससे लौटने वाले सैनिकों द्वारा इतालवी प्रायद्वीप में चेचक का आगमन हुआ। इससे 1/4 संक्रमित लोगों और कुल मिलाकर 5 मिलियन लगभग 50 लाख लोगों की मौत हुई थी। प्लेग ऑफ साइप्रियन नामक इसी तरह के रोग के प्रकोप की चरम सीमा पर रोम में एक दिन में कथित तौर पर 5,000 लोग मारे गए थे। प्लेग ऑफ जस्टिनियन यह बुबोनिक प्लेग का पहला दर्ज प्रकोप था। इसकी शुरुआत मिस्र में हुई थी और बसंत मौसम के कारण यह पुस्तुतुनिया में पहुंच गया जिससे प्रतिदिन लगभग 10,000 लोगों की मौत हो रही थी और इससे 40% लोगों की मौत हो गई थी। इस प्लेग ने संपूर्ण विश्व की 1/4 मानव जनसंख्या से आधी जनसंख्या यानी 1/8 को समाप्त कर दिया था। इसकी वजह से 550 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच यूरोप की जनसंख्या घटकर 50% रह गई थी। ब्लैक डेथ जिसकी शुरुआत 1300 के दशक में हुई, इससे दुनिया भर में 7.5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। अंतिम प्रकोप के 800 वर्ष बाद प्लेग ने यूरोप में वापसी की। एशिया में शुरू होने वाला यह रोग 1348 में भूमध्य सागर और पश्चिम यूरोप तक फैल गया जिससे 6 वर्षों में लगभग 20 से 30 मिलियन यानी 2 से 3 करोड़ लोगों के मरने का अनुमान था जो कुल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा था। यह यूरोपीय प्लेग महामारियों के चक्र का पहला प्रकोप था जो 18वीं सदी तक जारी रहा। इस अवधि के दौरान संपूर्ण यूरोप में 100 से अधिक प्लेग महामारियों का प्रसार हुआ। इंग्लैंड में 1361 से 1480 तक 2 5-वर्षीय चक्रों में इन महामारियों का प्रकोप बना रहा। 1370 के दशक तक इंग्लैंड की जनसंख्या में 50% की कमी आई। 1665-66 का ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन इंग्लैंड में प्लेग का अंतिम प्रमुख प्रकोप था। इस रोग से लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी जो लंदन की कुल जनसंख्या के 20% के बराबर थी। थर्ड पैंडेमिक की शुरुआत चीन से हुई थी जहां से प्लेग पूरी दुनिया में फैल गया। एक अनुमान के मुताबिक भारत में इससे मरने वालों की संख्या लगभग 1 करोड़ थी। इस विश्व महामारी के दौरान दुनिया के बाकी हिस्सों में यूरोपीय खोजकर्ताओं और आबादियों के बीच होने वाली मुठभेड़ों से अक्सर स्थानीय महामारियों की शुरुआत हुई थी। इस रोग से 16वीं शताब्दी में कैनरी आइलैंड्स की संपूर्ण मूल ग्वांचेस जनसंख्या की मौत हो गई थी। 1518 में हिस्पैनियोला की आधी मूल जनसंख्या चेचक से मर गई थी। चेचक ने 1520 के दशक में मेक्सिको में भारी तबाही मचाई जिसकी वजह से वहां के सम्राट सहित 1.5 लाख लोगों की
मौत हो गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि नई दुनिया के 95% मूल अमरीकी जनसंख्या की मौत के पीछे पुरानी दुनिया के रोगों जैसे चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा का हाथ था। सदियों की समय अवधि में यूरोपीय लोगों में इन रोगों के प्रति काफी अधिक प्रतिरक्षा विकसित हुई थी। चेचक ने ऑस्ट्रेलिया की मूल जनसंख्या को तबाह कर दिया था। ब्रिटिश शासनकाल के शुरुआती दिनों में 50% ऑस्ट्रेलियाइयों की मौत हो गई थी। इससे न्यूजीलैंड के कई माओरी भी मारे गए थे। 1848-49 के अंत में खसरा, काली खांसी और इन्फ्लुएंजा से लगभग 1.5 लाख हवाई निवासियों में से 40,000 निवासियों के मरने का अनुमान लगाया गया। चेचक ने लगभग ईस्टर द्वीप की मूल आबादी का सफाया कर दिया था। 1875 में खसरे से 40% से ज्यादा फीजी निवासियों की मौत हो गई थी, जो कुल जनसंख्या के लगभग 1/3 हिस्से के बराबर थी। इस रोग ने अंडमान की पूरी आबादी को तबाह कर दिया था। 19वीं सदी में आइनी आबादी में काफी कमी आई, इसके लिए जापानियों द्वारा लाए गए संक्रामक रोग जिम्मेदार थे। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि कोलंबस की यात्राओं के बाद नई दुनिया से यूरोप में सिफिलिस का आगमन हुआ था। यूरोपीय इन जीवाणु को घर ले गए होंगे, जहां से ये जीव पूरे यूरोप की विभिन्न परिस्थितियों में और अधिक घातक रूप धारण कर लिया होगा। यह रोग आज की तुलना में कई गुना अधिक घातक था। 14वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान सिफिलिस से यूरोप में काफी मौतें हुई थी। 1602 और 1796 के बीच डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एशिया में काम करने के लिए लगभग 10 लाख यूरोपियों को भेजा था। अंत में केवल 1/3 से भी कम लोग यूरोप लौटने में कामयाब हुए थे। इन रोगों से अधिकांश लोगों की मौत हो गई थी। भारत में युद्ध से अधिक इस रोग से ब्रिटिश सैनिकों की मौत हुई। 1736 से 1834 के बीच ब्रिटिश सेना के कुल 10% अधिकारी ही बच पाए थे। 20वीं सदी में मेडिकल की उन्नति की वजह से दुनिया ने अपने सबसे अधिक जनसंख्या को दर्ज किया। 1900 की 1.6 बिलियन जनसंख्या आज लगभग 7.8 बिलियन हो गई है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कुछ सुझाव भी है तो वो भी हमें बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।